दोस्तों ये मोबाइल है जियो का, इसमें जो है सिम जो है वर्क नहीं कर रहा। ये देखिए इसमें नो सिम दिखा रहा है, ठीक है, और इसमें सिम जो है लगा हुआ है। एक मिनट लॉक खोल दो, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बैटरी हटा के दिखाता हूँ मैं आपको। सिम लगा हुआ है जियो की, लेकिन इसमें जो है सिम नहीं चल रहा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या फॉल्ट है इसके अंदर। ये देखिए इसमें पानी भी गया हुआ है, ये देखिए सिम निकाल लेते हैं इसकी। अंदर तो साफ है बोर्ड, लेकिन यहाँ भी पानी गया हुआ है। और ये सिम का सेक्शन है ये हमारा, ये पूरा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए हमारे सिम में ना 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है। उसमें एक हमारा ग्राउंड होता है, एक खाली होता है, एक पॉजिटिव होता है और 3 डाटा के होते हैं, ठीक है। तो वो चेक कर लेते हैं 6 के 6 प्रिंट जो हमारे हैं वो ओके हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। तो ये पिन हमारा ओके है, ये ग्राउंड वाला। इसके बगल वाला जो है ये भी ओके है, ये भी, तीसरा भी ओके है, चौथा भी ओके है, पांचवा भी ओके है। ये छठे पे वैल्यू नहीं आ रही कोई, ये देखिए छठे पे जो है ना प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही। ये देखिए, ये देखिए, ये डाटा का है, ये भी डाटा का है, ये भी डाटा का है, ये बीच का पॉइंट है, ये इसके बगल वाला ग्राउंड है। तो जो है दोस्तों ये वाला प्रिंट जो है ये ओपन है। अब ये कैसे चेक करेंगे ये कहाँ पर है इसका पॉइंट? तो जो माइनस वाली जो सुई है उसको उस पॉइंट पर रख लेंगे और बाकी धीरे धीरे एक एक पॉइंट वो करेंगे ट्रेस। देखिए ये पॉइंट इधर आ रहा है और ये यहाँ से कहाँ जा रहा है ये देखना है ज़रूरी है। ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये देखिए इधर आ रहा है, ये पॉइंट इस पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए अब ये इधर से कहाँ जा रहा है ये भी देखना है। इस पे भी नहीं आ रहा, इस पे भी नहीं आ रहा है। देखिए इधर आ रहा है ये पॉइंट, ये रहा इस पे। और इसके पीछे देखिए ये जो है ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर टूटा हुआ है। इधर एक कैपेसिटर होता है वो इधर नहीं है, मिसिंग है वो। कई बार सिम जो है अंदर ज़्यादा डाल देते हैं फंस जाती है तो भी ये दिक्कत जो है आती है। ये देखिए यहाँ आ रही है वैल्यू। तो हमें क्या करना है, सिंपली आयरन से जो है इन दोनों को शॉर्ट कर देना है। आपको पूरा बेसिक बता दिया मैंने कि सिम में कितने पॉइंट होते हैं। ये तीनों में से कोई भी जो डाटा का है उसमें से ओपन होगा तो भी सिम नहीं चलेगी, या पॉजिटिव वाला ओपन होगा तो भी सिम नहीं चलेगी। देखिए दोस्तों अब इसमें जो है वैल्यू आ गई प्रॉपर। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा था इधर जो है, अब देखिए, देखिए प्रॉपर वैल्यू आ रही है। ये देखिए अब देखते हैं इसमें सिम लगा के सिम वर्क करता है या नहीं।
फ़ोन बैटरी लो। ये देखिए दोस्तों, सिम तो रीड कर लिया इसने, ये देखिए सिम रीड कर रहा है अब, ठीक है। देखिए जियो भी आ गया, LTE भी लिखा गया। देखिए दोस्तों, हमारा जो मेन पॉजिटिव का जो सर्किट है उसमें प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटर टूटा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।